दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग म्यूचुअल फंड में लमसम के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जानना है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, देखिए वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना करें। मैं आप लोगों को क्लियरली पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप लोग ग्रो ऐप के जरिए कैसे यहां पर आप लोग लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये भी होता है कि आप लोग पूरे पैसे को बस एक ही बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गाइस देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। दोस्तों देखिए, ये रही हमारी म्यूचुअल फंड जीरो टू हीरो ईबुक। दोस्तों देख सकते हैं, मैं आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। दोस्तों आप लोग देखेंगे, इसकी प्राइस है सिर्फ 99 रुपीज़। और अगर आप लोगों को 99 रुपीज़ में इतनी सारी वैल्यू मिलती है कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करना है, म्यूचुअल फंड में लॉस होता है तो क्या करें, प्रॉफिट होता है तो क्या करें, म्यूचुअल फंड के बारे में सारी जानकारी, म्यूचुअल फंड के टाइप्स, देखिए म्यूचुअल फंड के बारे में जो कुछ भी सारी चीज़ें हैं वो सारी मैंने इस ईबुक के अंदर मेंशन करी है। और दोस्तों देखिए, इस ईबुक की प्राइस है सिर्फ 99 रुपीज़। आप लोग इस जाइए, फटाफट अपना टाइम वेस्ट ना करें, इस ईबुक को परचेस करिए। दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप लोग भी कहीं देखिए, यहाँ पर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर एक अच्छा इनकम लेना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो कहीं देखिए 99 रुपीज़ आप लोग खर्च नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा पैसा ले सकते हैं। और अगर देखिए आप लोगों को व्हाटएवर कोई भी डाउट आता है तो देखिए, ये रही हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इसका लिंक आप लोगों को दोस्तों देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, आप लोग देख सकते हैं। सिंपली आप लोग आइए यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों देखिए 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करिए, मुझे यहाँ पर फॉलो करिए। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को व्हाटएवर कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं SMS के जरिए, फिर देखिए मैसेजेस के जरिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताऊं कि आप लोग कैसे यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में लमसम को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए, आप लोगों को आ जाना है अपने ग्रो ऐप में, ठीक है। एप्लीकेशन ओपन कर लिया। अब दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन में हम लोग आते हैं, ठीक है ना। ये रहा हमारा डैशबोर्ड। इसके बाद कही देखिए, सिंपली हम लोग रहते हैं हमारे होम के ऊपर, ठीक है ना। ये हमारा एक्सप्लोर टैब। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमको फंड सिलेक्ट करना है जो कि अच्छा रिटर्न दे, ठीक है ना। कही देखिए, ये वाला फंड मैंने ले लिया, ICICI प्रूडेंशियल US टेक्नोलॉजी फंड, ठीक है। इस फंड को मैंने कर लिया दोस्तों सिलेक्ट। अब कही देखिए, जैसे ही मैंने इस फंड को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मुझे देखिए सिंपली इस प्रकार से चार्ट बता रहा है, ठीक है ना। बट ये देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहला यहाँ पे ये दिख रहा है ना SIP एंड वन टाइम कैलकुलेटर, इसके ऊपर टैप कर दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, SIP मतलब दोस्तों, ये SIP का मतलब क्या होता है कि हर महीने आप लोगों को किस्तों में इसमें पैसा जमा करना है, और वन टाइम का मतलब है आप लोगों के पास ज़्यादा पैसा तो आप लोग एक ही बार में जमा कर दीजिए, ठीक है ना। अब कही देखिए, आप लोग यहाँ पर वन टाइम पर टैप करिए, मैंने SIP पर डिफॉल्ट, तो हम वन टाइम करते हैं। अब कही देखिए, वन टाइम के ऊपर टैप करने के बाद ये क्या बता रहा है, 5000 रुपये, मतलब आप लोग पढ़ सकते हैं, बताया मिनिमम लमसम अमाउंट 5000, यानी कि दोस्तों देखिए आप लोगों को कम से कम लमसम में 5000 रुपये इन्वेस्ट करना जरूरी है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि देखिए, इसको आप लोगों को सबसे पहले पढ़ लेना है, उसके बाद आप लोगों को नीचे बढ़ना है और यहाँ पे एक और चीज़ में आना है। कहीं आप लोग देखिए, यहाँ पर दोस्तों देखिए आप लोग को आना, देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट में भी आप लोग आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग ये सारा कुछ शो कर देगा, आप लोग देख सकते हैं। देखिए आप लोग देखेंगे, ये बता रहा है मिनिमम SIP 100 रुपये, आप लोग देख सकते हैं मिनिमम फॉर लमसम 5000, और देखिए मिनिमम सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑनवर्ड्स आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसा ही हम लोग को देखिए शो हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग को देख लेना है। इसके बाद आपको क्या देखना है, देखिए एक्सपेंस रेशियो एक्सिट लॉट टैक्स यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए एक्सपेंस रेशियो आप लोग देख सकते हैं, एक्सिट लॉट टैक्स देखिए आप लोग, मतलब आप लोगों ने एक महीने से पहले यदि ये जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको रिडीम करा, तो आप लोगों को 1% इस पर टैक्स लगेगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना गाइस। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है इसमें इन्वेस्ट करने से पहले कि आप लोग एक महीने के बाद ही इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। आप लोग एक महीने का पहले करेंगे तो आप लोग इसमें 1% टैक्स लगेगा, ठीक है ना। अब कही देखिए, यहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, आप लोगों ने फंड सेलेक्ट कर लिया, सारी चीज़ें देख ली। फिर आपको कही देखिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में डाउन साइड में आप लोग देखेंगे, हमको दो ऑप्शन मिलता है, एक है मंथली SIP, मतलब हर महीनों में हम लोग किस्तों में पैसा जमा करें, या फिर कही देखिए हमको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है, देखिए आप लोग देख सकते हैं वन टाइम, आपको टैप करना है वन टाइम के ऊपर। यहाँ पर सुरी ये बता रहा है 5000, ठीक है ना। आपको कितना भी सुरी सिंपली जो भी पैसा इसमें सिंपली इन्वेस्ट करना है तो कही देखिए वो पैसा आप लोग यहाँ पर डाल दीजिए, वट एवर। कही देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 10000 डाल देते हैं, ठीक है ना। उसको देखिए 10000 डाला, सिंपली हम लोग उसको प्रोसीड करते हैं। और कहीं देखिए रुक जाना है एक सेकंड, यहाँ पर ये लोड हो रहा है, ठीक है ना। इसमें इंटरनेट कनेक्शन की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो चुका है अब, ठीक है ना। उसको देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है, ये मैंने एक फंड को हटा दिया, ठीक है। अब हमारे पास हो चुका है दोस्तों, देखिए 10000। अब आपको पे नाउ के ऊपर टैप कर देना है। अब दोस्तों आप लोग जैसे ही पे नाउ के ऊपर टैप करेंगे, देखिए बता रहा है आपको ऑप्शन दे रहा है, आप फोन पे यूज़ करते हैं, पेटीएम वॉलेट यूज़ करते हैं, या फिर आप लोग दूसरे तरीके से पे करना चाहते हैं, या फिर आप लोग दूसरी की अपनी UPI ID को एंटर करने के बाद पे करना चाहते हैं, या फिर दूसरी की आप लोग NEFT RTGS या फिर IMPS से पे करना चाहते हैं।
आप लोग सिंपली यहाँ पर देखिए जिस भी प्रकार से पैसा पे करना चाहते हैं उस यहाँ पर स्टेज को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद जो भी पैसा आप लोग पे करना चाहते हैं उस पैसे को पे कर दीजिए। और कहीं आप लोग आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं ये पैसे, ये जो म्यूचुअल फंड में आपका पैसा है लमसम में इन्वेस्ट हो जाएगा। और आप लोग देखिए एक सौ एक से दो दिन के बाद यहाँ पर आएंगे अपने डैशबोर्ड में, रुक जाइए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे फिलहाल में जो आएगा ना जो आपका पैसा है वो आपके डैशबोर्ड में आप लोग को बता देगा कि हाँ ये वाले फंड में आप लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया है। दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग इस तरीके से म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गाइस आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। और दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों देखिए मैंने आप लोगों को मेरे उस ईबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग जाइए फटाफट उस ईबुक को परचेस करिए। आप लोग उसको परचेस करने के बाद जरूर बताइएगा आप लोगों को ईबुक कैसी लगी। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर यहाँ पर सिंपली फॉलो कर सकते हैं, मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही।